तो सर आज का टॉपिक बच्चे देख रहे होंगे शेयर कैपिटल, तो खूब सारे बच्चे नए भी हो सकते हैं, तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, तो अब मैंने कहा था कि पिछले टॉपिक्स में जो भी पेंडिंग रह गए, बहुत सारे बच्चों के बोल रहे थे हमारे डाउट रह गए, डाउट रह गए, डाउट रह गए। पहले मैंने शेयर कैपिटल में एक टॉपिक जो छुड़वाया था, बच्चे पूछ रहे थे सर अदर देन कैश कब कराओगे, करा ही नहीं आपने। तो मैं अभी अदर देन कैश खत्म कराऊंगा, इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसी चैप्टर के आज डाउट निपटाएंगे। एक दिन में ना एक ही चैप्टर लेंगे हम, फिर एक संडे डाउट सेशन रखूंगा जिसमें पूरा ले लूंगा बाकी के दो चैप्टर के। तो जिन्होंने व्हाट्सएप पे डाउट भेजा है, नहीं हो पाए डाउट, तो मैंने कहा आगे आने वाले टाइम पर मेरा कुछ कराने का तरीका अलग होगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। इस चैप्टर में जितने भी डाउट होगा आप मुझे बता देना लिख के। पहले मैं अपना टॉपिक करा देता हूँ, दैट इज अदर देन कैश, पूरे अपने एग्जाम्पल लेके करा देंगे और इसके भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए सर आज का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अदर देन कैश, करते हैं स्टार्ट। कहाँ से था अदर देन कैश का ढूंढ लेते हैं, ये रहा। अदर देन कैश, नहीं आज नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे फिलहाल। तो सर अदर देन कैश का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम। देखिए जैसे सपोज करिए कि ना एक एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है और इसने अपने शेयर इशू किए, इसने अपने शेयर इशू कर दिए। तो अगर इसने अपने शेयर को इशू किया है तो अब इसके शेयर अगर खरीद लिया नॉर्मल ने, नॉर्मल पर्सन ने, हम और आप जैसे लोगों ने यानी पब्लिक ने, तो आप इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए पैसा तो दोगे ही दोगे, है ना, आप पैसा तो दोगे इसके खरीदने के लिए। तो ये तो हो गया शेयर इशू विद कैश। कुछ ऐसा है कि कई बार हम शेयर को इशू कर देते हैं लेकिन बदले में ना हमें पैसा ना लेके हम वहां से कुछ एसेट्स ले लेते हैं। सर एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। तो अब जो है ना हमें कैश में पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सर अदर देन कैश। तो अदर देन कैश का मतलब हम कंपनी शेयर तो इशू करेंगे लेकिन वहां से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे कितने ऐसे तरीके हैं जिससे कंपनी शेयर तो इशू करेगी लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जवाब है कुछ एक पॉइंट्स है जो कि मैं लिख देता हूं।
तो सर कितने तरीके हैं, तो वो सारे पॉइंट्स देख लेंगे और आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, अदर देन कैश। जिनके जो डाउट है ना अपने अपने जो बच्चे लाइव में, तो रजिस्टर निकाल लीजिएगा, रजिस्टर में से ढूंढ लीजिए कौन से क्वेश्चन हुए नहीं हुए। आप क्वेश्चन बस कमेंट में लिख दीजिए, मैं देखूंगा और उसको फिर मैं कर लूंगा, ठीक है सर। सबसे पहला जो हम करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं सिंपल सिंपल भी ना बोलूं तो व्हेन परचेज सिंगल एसेट्स, जब ना एक एसेट्स खरीदेंगे, कितने एसेट्स, एक एसेट्स, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो सीखेंगे। और दूसरा एक और टॉपिक होगा व्हेन परचेज बिजनेस। अब भाई हम क्या करेंगे, सामने वाले को बोलेंगे भैया तेरे एसेट्स नहीं खरीदेंगे हम, तेरी कंपनी को ही खरीद लेंगे, तो बिजनेस हो गया परचेज। एक और हो सकता है व्हेन पेड टू या व्हेन इश्यू टू अंडरराइटर, इश्यू टू अंडरराइटर। सर क्या होता है, जब जब टॉपिक करेंगे अभी समझेंगे सारा। एक हो सकता है इश्यू टू प्रमोटर, किसको इशू करेंगे, प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, मालिक। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले हम बढ़ने वाले हैं, गुड इवनिंग सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। रिया फर्स्ट क्लास है आपकी, कोई बात नहीं, सैटरडे से न्यू चैप्टर होगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ऐसा चैप्टर मैं सैटरडे को स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि पुराने बच्चों को भी कोई दिक्कत, नए बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, पुराने को तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो सर सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे। सर इसमें क्या कोई पैटर्न और भी है, बिल्कुल जी, इसमें तीन तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। नंबर एक, व्हेन शेयर इशू एट पार, दूसरा बनेगा व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम, और तीसरा व्हेन नंबर ऑफ शेयर, व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स कम्स इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सर इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, जी हाँ। ये सारा पढ़ेंगे, मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। ओहो चलिए, ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मैं तीनों के ही ना अपने एग्जाम्पल लूंगा, बस आपको एग्जाम्पल समझना है। तो चलिए सर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पहला टॉपिक करने को, व्हेन परचेज पर्टिकुलर या वन एसेट। सर जब आप एक एसेट्स खरीदेंगे
तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं सर। मे बी पॉसिबल है एट पार पे हो, एट पार पे मतलब सर देखो वेरी सिंपल, एट पार का मतलब पॉइंट नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन बेसिकली, एग्जाम्पल एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज आ मशीनरी रुपीज 1,10,000 एंड इशू फ्रेश इक्विटी शेयर एट 10 रुपीज ईच। तो भैया हुआ क्या है कि एक कंपनी ने शेयर इशू करा है और बदले में जो है ना क्या खरीद लिया, मशीनरी। अब पहली बात, यहां पे दो लोगों के बीच में डील होना है, एक एक्स वाई जेड है और एक सेलर है। एक सेलर है, सेलर कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं पी क्यू आर है। तो जो सेलर है ना, इसके अनेक नाम है लॉ में, जो सेलर है उसके कई सारे नामकरण किए हुए हैं। जैसे इसको सेलर पी क्यू आर तो है ही है इसका नाम, इसको वेंडर भी बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, वेंडर, ये याद रखना है। तो आप सामान किससे खरीद रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो किससे, वेंडर से। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री देखिए क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा आपने वेंडर से खरीदा, दैट मीन्स आप एंट्री करोगे, आपने मशीनरी खरीदा है तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगर नाम ना दे रखा हो तो। सर आपने वेंडर से मशीनरी खरीद लिया, कितने का खरीदा, जवाब है 1,10,000। सर ऐसे सवाल में बींग लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बींग लिखा जाएगा, बींग गुड्स लिख रहा हूं मैं, देखो मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर। और मजे की बात बताओ ना, जैसे ही लिखा मैंने मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर, मतलब उधार है। अब हम क्या करेंगे, अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट। अब वेंडर को पैसा दोगे तो टू कैश आ जाएगा, पैसा तो दे नहीं रहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। सर कितना, 1,10,000। और सर बीइंग शेयर इश्यू टू वेंडर, लीजिए जी पहला केस खत्म, वेंडर अकाउंट डेबिट। सर वेंडर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वेंडर को पैसे देने हैं और टू क्योंकि उसको हमें पैसे नहीं देंगे, अब हम शेयर देके निपटारा करेंगे उसका, समझे, उसको क्या दे देंगे, हम शेयर दे देंगे, क्लियर। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए वैसे इसमें, तो सिंपल बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं मैं। अगला व्हेन शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, सर जब प्रीमियम पे इश्यू होगा तो क्या करोगे, देखते हैं ना। चलिए
कलर चूज कर रहे हैं, कौन सा कलर लें? उस कलर में मजा ही नहीं आ रहा। ये ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल में क्या है सर, एग्जाम्पल में क्या बताओगे? ये लीजिए एग्जाम्पल, देखिए फटाक से लिख लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, एट 10% प्रीमियम, बस पुराने सवाल और इस सवाल में एक बात को चेंज किया है। जब कभी भी आपका शेयर प्रीमियम पे होना, वेंडर को देना, तो आपको एक सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फाइंड करना पड़ेगा सर? नंबर ऑफ शेयर। वो कैसे फाइंड होता है? यहां लिखेंगे एसेट वैल्यू, आफ्टर कैश डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। सर इश्यू प्राइस क्या होता है हमारा? जितने का शेयर का फेस वैल्यू है उसके ऊपर प्रीमियम जोड़ दो, दैट इज इश्यू प्राइस। जैसे 10 वाला शेयर अगर 10% प्रीमियम है तो 11 रुपए। मेरे वाले सवाल के अंदर सबसे पहले नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये किस पे है सर? क्योंकि ये प्रीमियम पे है। तो एसेट्स का वैल्यू क्या है? और मैंने ऊपर लिखा है एसेट्स वैल्यू आफ्टर कैश, दूसरे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। तो सर एसेट्स का वैल्यू क्या है सर? एसेट्स का वैल्यू है हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। एक शेयर कितने का है? 10 का प्रीमियम, और 10 का 10% प्रीमियम, और 10 का था 11। तो यहां नंबर निकल के आ गया हमारा 10,000। अब एंट्री जो पहली करने वाले हैं वो करने वाले मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर कितने रुपए सर? 1,10। सर बीइंग सेम लिखा जाएगा जो मैंने साथ में लिखा हुआ है, बीइंग सेम लिखा जाएगा यहां पे। अगली एंट्री समझते हैं सर, दूसरी एंट्री। सर दूसरी एंट्री, ओहो वेंडर अकाउंट डेबिट वेंडर को डेबिट किया 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। मुद्दे की बात है, वेंडर में तो आएगा 1,10,000, शेयर कैपिटल में ना ये जो आपने निकाला है ना 10,000, ये वाला इस 10,000 से 10 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आपका यहां पे आएगा 1 लाख और यहां आ जाएगा 10,000। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, 1,10,000 पे ही 10% निकाल लेते हैं, तो आंसर आता है 11,000, जो कि प्रीमियम गलत निकलता है। भैया इस 1,10,000 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 से, समझे? तो ये हो गया हमारा जब हमारा शेयर इशू हो रहा हो एट ए प्रीमियम। तीसरा पॉइंट है जब हमारा शेयर पॉइंट में आ जाए। सर पॉइंट में आ जाएगा क्या मतलब? देखिए व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन
मतलब सर नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो पता है किस में आ जाएगा, पॉइंट में। देखिए सवाल, मान लो एक पल के लिए कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 1 लाख, और सब कुछ एकदम समान, सब कुछ एकदम सेम, क्वेश्चन छोटा भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने क्या करा वहां पे, एसेट्स का वैल्यू जो है वो कितने कर दिया, 1 लाख। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, मशीनरी, अकाउंट टू वेंडर, और आएगा 1 लाख, आएगा 1 लाख। अब सर प्रीमियम पे इशू है तो आपने कहा पहले नंबर निकाल लो, बिल्कुल ठीक, मैं नंबर निकाल देता हूं यहां पे। तो जब नंबर निकालेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय होने वाला है 10, नहीं 11, तो ये आ जाएगा 999, यही आएगा ना, 9090 आएगा। नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट नाइन, ये आ जाएगा 9090.9 आ गया। तो नंबर जो निकला है वो पॉइंट में आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट के बाद जो भी आपका फ्रैक्शन आता है इग्नोर करना होता है। तो इसका मतलब सर अगली एंट्री कैसे करोगे, अगली एंट्री करेंगे वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये तो 1 लाख ही रहेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इससे इंटू करेंगे हम, दैट इज आपका आ जाएगा 9090 और एक बार और 0, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्या होगा, 9090 और इंटू में 1। अब सर अब कमी जितनी भी आएगी ना, डिफरेंस आ जाएगा सर, कितने का डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा ना मैच कर देंगे टू कैश करके, और हालांकि ज्यादा नहीं 10-12 रुपए का डिफरेंस आएगा, यहां पे 10 आ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एंट्री इससे रिलेटेड है, ये दोनों एंट्री इसकी है और ये दोनों एंट्री इसकी है। अभी एक और सवाल देखेंगे, मेरे मन में एक और क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, कर लेते हैं क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ने वाले ना हम इसमें। एक्स लिमिटेड इशू परचेज मशीनरी ₹1,40,000 एंड कंपनी पेड ₹10,000 एंड एक्सेप्ट बिल्स पेबल, एक्सेप्ट बिल्स पेबल ₹15,000 एंड ओवरड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट ₹5,000, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 10 each। सवाल देखिए कितने मजेदार है, यानी सर आपने बोला जब प्रीमियम पे इशू होगा, मैंने लिख दिया एट 10%, यानी मैंने जब बोल दिया प्रीमियम पे होगा तो पहले एक काम कर लेना, क्या काम कर ले, नंबर निकाल लेना। तो यहां अगर मैं नंबर निकालू तो बोला जाता क्या है, एसेट्स का वैल्यू ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर कैश डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस,
सर एसेट्स की वैल्यू है 1,40, लेकिन इसमें से हमने पेमेंट कैश भी किया है कितना, और सर माइनस कर देंगे एक्सेप्टेबल बीपी, और माइनस ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट भी दिया है हमने। अब ये होगा डिवाइड किससे, तो सर अगर इसको 11 से डिवाइड करते हैं क्या नंबर आएगा, 10,000 आ जाएगा, समझे आप। इस तरीके का भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं सर, जर्नल एंट्री। एंट्री होगा मशीनरी, अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सर कितने रुपए होंगे वेंडर के अंदर, जी वेंडर के अंदर आपने कितने का मशीनरी खरीदा है ये मैटर करेगा, दैट इज 140। मजेदार अगली एंट्री है, और सर बीइंग तो वही होगा शेयर इशू। अगली एंट्री होगा हमने वेंडर डेबिट किया, वेंडर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू कैश, टू बैंक, टू बिल्स पेबल। सर 1,40 तो ये था, नंबर आपके निकले सर 10,000 इंटू में 10, दैट इज आपका 1,00,000। बैंक्स कैश में 15 दिए, जो ड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से पेमेंट है, तो बैंक में कितने दिए 5। बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया कितने का, 15 का। कैश गलत लिख दिया, कैश 10 है, कैश 10 है। और फिर टू में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सर 10,000 इंटू में 1, दैट इज आपका 10,000। मैच करिए डेबिट क्रेडिट। तो इस तरीके का भी सवाल पूछा, समझ में आई बात। कितने बच्चों को डाउट है बता दीजिए। बच्चे ने कहा है कि सर 11,000 नंबर होगा, देख लो भाई 11 आएगा 10 आएगा। दस हजार ही होगा, किसी को कोई डाउट, क्लियर है। सेकेंड एंट्री में मैंने क्या करा, वेंडर को डेबिट कर दिया, भैया 1,40 देना है। उसको दिया क्या क्या, सब क्रेडिट कर दिया, उसको शेयर्स दिया, उसको बैंक से पैसा दिया, उसको कैश में पैसा दिया, उसको बिल्स पेबल दिया, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, क्लियर। सर न्यू स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करें, न्यू स्टूडेंट शेयर कैपिटल का ही पहला चैप्टर कर लें, और सैटरडे को न्यू चैप्टर जो कराएंगे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं।